हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवत नंगवाल और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग ने वैक्सीन लगवा ली होगी। और जिन्होंने नहीं लगवाई, उम्मीद करता हूँ कि वो सब भी जल्दी लगवा लेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो कोई मेरा वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपका है, ये वीडियो तुम्हारा है, ये वीडियो उन हर एक आदमी, हर एक शख्स का है जो ये जानता है कि वो मेहनत कर रहा है। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से आपको सीखने को मिले। दोस्तों, ये तस्वीर देख रहे हो आप, क्या दिखता है इस तस्वीर में? कि एक बंदा ऊपर जा रहा है, बाकी लोग उसको खींच रहे हैं। एक बंदा ऊपर जा रहा है और तीन हरामी उसको खींच रहे हैं नीचे की ओर। कौन है ये लोग? कौन है आप? आप ऊपर जाने वाले हैं या तीन उन हरामियों में से हैं? कौन हो तुम? तो मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप ऊपर वालों में से हो कि नीचे वालों में से, क्योंकि यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में ना आप कुछ भी काम करो, आप कुछ हो कुछ ना हो, लोग तुमको खींचेंगे, लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। सीधा सा फंडा है, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, कोई भी तुमको नहीं छोड़ने वाला। वो अपना जिंदगी का रोल मॉडल तुमको मान लेते हैं कि भाई मुझे तो सुबह उठ के और सोने से पहले सिर्फ ये देखना है कि इसको खींचू कैसे। तो दोस्तों, इस फोटो को देख के किस्सा याद आता है कि एक नदी का बहाव बहुत ही तेज था और उस नदी को पार करना था एक बेटी और बाप को, तो कर भी रहे थे। अचानक बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, अचानक बेटी बोली कि पापा आप मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? तो पापा ने बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, बात तो एक ही है ना, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है, सोच देखिए दोस्तों। तो बेटी ने जवाब दिया, नोट कर लीजिए इस जवाब को। तो बेटी ने जवाब दिया कि पापा मुझे लगता है कि मेरा हाथ शायद फिसल जाए, पर अगर आपने पकड़ा ना तो आप फिसलने नहीं दोगे। यही चीज़ मैं सबसे कहना चाहता हूँ, यही चीज़ मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं कि आपको मेरा हाथ नहीं पकड़ना, आप कोशिश करो कि आप मेरा हाथ पकड़वाओ अपने हाथ को। दोस्तों, अगर आप ये सोचोगे कि आप मेरा हाथ या हम लोग का हाथ पकड़ोगे ना, तो ऐसी सिचुएशन आती है, पैनिक हो जाना, दो मिनट के अंदर कुछ और सोच लेना, कहीं भी चले जाना, और उसके बाद फिर जिंदगी भर रोना और वापस आकर फिर माफी मांगना और फिर देखना है हमसे भूल हो चुकी है। ये करने से अच्छा है कि कोशिश ये करो कि आप हमारा हाथ पकड़वाओ। और एक वादा मैं करता हूँ और हमेशा करता आया हूँ कि अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा, अगर हमने आपका हाथ पकड़ा ना दोस्तों, तो कभी छोड़ेंगे नहीं आपका हाथ। बहुत से लोग जानते हैं, जितने टाइम से भी हम काम कर रहे हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि जिनका भी हाथ हमने पकड़ा है उनको छोड़ा नहीं है दोस्तों। पर जिन्होंने ये गलती की कि हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश की और जब उनकी मर्जी आई तब उन्होंने छोड़ दिया और जब मर्जी आई तब पकड़ना चाहा, तो वो गलत है दोस्तों, गलत है। कोशिश यही करो कि आप हमारा हाथ पकड़ो। दोस्तों, इनकी क्या बात करूं यार, एक अच्छी बात आई, लोगों ने गांधी जी को नहीं छोड़ा, उनको तक गोली मार दी। लोगों ने भगत सिंह को सूली पर चढ़ा दिया, अरे ये तो आम लोग हैं भगवानों, ईसा मसीह तक को सूली पर चढ़ा दिया, हाथों में कील लगाई, लटका दिया उनको, उनको तक नहीं छोड़ा। और सबसे अच्छी क्या आपको एक बात बताऊं कि जो उनके हाथ में कील ठोक रहे थे वो भी इसी धर्म को मानने वाले लोग थे, वो भी मंदिर मस्जिद चर्च जाने वाले लोगों में से थे, उनका वो कोई नास्तिक नहीं थे कि उन्होंने बोला यार एक धर्म को मानने वाला आ गया को मारो उसको, वो भी उसी फील्ड उसी काम के और उसी मनोवृत्ति के लोग थे। और उनने ये देख कि ये आदमी बढ़ कैसे रहा ऊपर, लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, कैसे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मारो इसको। तो ये सोचिए कि जो लोग ऊपर जाएंगे उनको नीचे गिराने के लिए इस तरह के कुछ लोग आएंगे ही आपके सामने। महात्मा गांधी का क्या था दोस्तों, उनको क्यों गोली मारी? उन्होंने तो देश को आजाद कराया। हर एक तीसरे आदमी को आज बुरा कहा जाता है, कल मोदी बहुत अच्छे थे, आज वही मोदी बुरे हो गए, क्योंकि कोई और बीमारी आ चुकी है, लोगों के पास काम नहीं है। जब लोगों के पास काम नहीं है और वो ये सोच नहीं पा रहे कि मुझे कैसे काम लेना है, तो इसके लिए मोदी बूढ़े हो गए। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी सरकार की बात करता हूं कि आप अपने दिमाग को स्थिर रख के ये क्यों नहीं सोचते कि आपके मन में भी चल क्या रहा है, आप कौन है,
जब आपने वीडियो देखा होगा शुरू में, जब आप वीडियो देख रहे होंगे शुरू में, तो आप सोच रहे होंगे मैं तो ऊपर वाला हूँ, नीचे वाले तो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं। पर अब गलत है दोस्तों, आप भी उन नीचे वालों में से हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी फील्ड में नीचे खींचने वाला यहाँ नहीं हो सकता दोस्तों, कोई सी भी फील्ड हो। अगर आप पड़ोसी को भी घर में अपने आंगन में खड़े होकर गाली बक रहे हो, तो आप नीचे वाले लोगों में से। आपको हक नहीं है किसी को गाली बकने का, आपको हक नहीं है किसी को जज करने का, जब आप ये हक किसी को देना नहीं चाहते कि आपको कोई जज करे। कभी आईना देखा है आपने अपना? कभी देखा है कि आपने कितनी क्वालिटी है, कितने काम कर सकते हो आप? आज आप खुद बताओ कि आज पूरे दिन में आपने कितने पैसे कमाए। चले पैसे कमाने की बात है, कितनी इज्जत कमाई आपने, कितना मान कमाया, कितना सम्मान कमाया। और जो लोग कमा रहे हैं ना दोस्तों, जो लोग वाकई में कर रहे हैं ना, उनको खींचने वाले वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे। तो ये इस वीडियो से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितना हो सकता है सिर्फ अपने बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग। तो दोस्तों हमारी कामयाबी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि हमने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया, हमने क्या किया। हमारी कामयाबी इस बात पे निर्भर करती है कि हम हर दिन मेहनत करते रहे, हर दिन अपडेट होते रहे, और हर दिन मेहनत करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, ये सोच के कि हम भविष्य बनाएंगे उनका। अच्छा दोस्तों, कहावत है कि अंधों के राज में एक आँख वाला भी राजा होता है, पर वो भी बुरा होता है कि उसके पास आँख कैसे। क्या हुआ कि एक गाँव है, उस गांव में ना रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। तो सब लोगों ने ना अंधेरे में जीना सीख लिया, मजे से जी रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब टेंशन मुक्त, एकदम मजे से। सडनली एक आदमी आया, एक चूटिया निकल के आया, और उसने शहर से कोई शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा का दिया जला के अपने गांव में जला दिया। अब वो दिया, अब लोगों की चैन खत्म हो गई। अरे यार ऐसे कैसे हो गया, मेरे घर में अंधेरा, सामने वाले के घर में दिया कैसे जल रहा है, अरे इसको बुझाओ, इसको मारो, ये है, वो ये है, ये कपड़े ऐसे पहनता है, ये फलाना। तो ये सारी चीज आने लगी, जो उसके दोस्त थे वो भी विरोधी हो गए एक टाइम पर, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। तो यही होता है तुम्हारे साथ। और तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे? जिन लोगों के साथ ये नहीं हुआ उनको क्या लगता है, मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि लोग तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ भी वो वही करेंगे, तुम्हारे पीछे भी पड़े रहेंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास में काम ही यही है दोस्तों। अगर ये थोड़ी सी मेहनत करके अपने बारे में सोचते तो ये फोटो में नीचे वाले ना होकर ये ऊपर वाले होते, अगर ये थोड़ी सी मेहनत करते तो। ये छोड़ेंगे क्यों तुम्हें? तुमने इनके सर में ना दर्द पैदा करके रखा हुआ है, तुमने इनकी नींद हराम कर दी है। अरे ये तो सोचे कि आप जो मैं 5 साल में मेहनत करके बना, जो इस मार्केट में आया, ये 50 दिन में लड़के कर रहे हैं काम, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं यार, सब फेक है, सब कुछ फेक है, फ्रॉड है सब कुछ। हाँ सर, सब कुछ फ्रॉड है, सच है, जो भी आपको दिखता है सब फ्रॉड है, पर जो आपने सुनाई दिया वो सब सच है। वाह, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिनके साथ ये नहीं हुआ ना, अब उनकी बारी है, बट बचना आपको है कि कैसे आप बचेंगे। दोस्तों आप इनकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आप जो डेली काम कर रहे हैं, आप जो रेगुलर बेसिक पे अपना काम कर रहे हैं उसको करते जाइए। अगर आप इनको सुनना चालू करेंगे, अगर आप इनको देखना चालू करेंगे, तो आप वही कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। बस इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बनना है तो ऊपर वाला बनो, नीचे वाला नहीं। और बहुत मज़ा आता है दोस्तों, जब कोई नीचे खींचता है ना तो पावर आ जाती है एक अंदर से, क्योंकि जब आप नॉर्मल वे में चलते हो और जब आप को कोई शक्ति पीछे खींच रही है, तो आप अपनी शक्तियाँ भी बढ़ाते हो। तो वही टाइम है अपनी शक्तियाँ बढ़ाने का। और सभी लोगों को एसर टेलीकॉम की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से इस महामारी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखें और घर पर रहें, और उसके साथ जब तक लॉकडाउन है तब तक एटलीस्ट घर पर रहें, और वैक्सीन जरूर लगवा लें दोस्तों। जय हिंद।